क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि अपने जो ऑनलाइन क्लासेस में अपना टॉपिक चल रहा था, 11th क्लास की जो इंग्लिश कंपलसरी है उसकी जो बुक है हॉर्नबिल, और उसमें से अपना पोएम वाला टॉपिक चल रहा था, और अपन जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे वो अपना टॉपिक था चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड जो पोएम थी जो कि मार्कस नेटन के द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें अपन जो दो स्टेंजा थे स्टार्टिंग वाले, तो वो स्टेंजा अपन इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और अब आज के वीडियो में अपन जो इसके आगे वाले दो स्टेंजा हैं उनको पढ़ेंगे। तो जो पहले स्टेंजा में, जो पहले और सेकंड स्टेंजा में अपन ने जो पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज करते हैं, यानी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें पहले स्टेंजा में तो जो मेन चीज़ बात की गई थी वो रैशनलिटी वाली बात की गई थी, यानी जो पोइट के द्वारा तर्क वितर्क करने वाली बातें की गई थी। एक वो डिबेट वाली जो फीलिंग्स आती है, सामने वाले से सवाल करने की जो फीलिंग्स आती है वो पोइट के अंदर आ गई थी, और पोइट सोचता है कि हो सकता है कि जिस दिन मेरे अंदर ये फीलिंग आई उस दिन मेरा चाइल्डहुड मेरे पास से चला गया। तो और सेकेंड स्टेंजा में अपन ने पढ़ा था कि एडल्ट्स की जो हिपोक्रेसी है, एडल्ट्स की जो ट्रूथनेस है वो उस पॉइंट के सामने आती है। हिपोक्रेसी कैसे होगी कि एडल्ट्स हमें जो मैनर्स करने के लिए कहते हैं, जो बिहेव करने के लिए कहते हैं, वास्तव में एडल्ट्स के द्वारा वही बिहेव किया नहीं जाता है। तो एक तो हिपोक्रेसी और उनकी जो ट्रूथनेस है, जो सच्चाई है एडल्ट्स की, वो पॉइंट के सामने आती है। तो दो स्टेंजा हो गए थे। अब आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपना थर्ड और फोर्थ स्टेंजा। तो पहले जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेंजा थे उसमें भी पॉइंट ने एक क्वेश्चन पुट किया था, तो अभी जो थर्ड स्टेंजा है उसमें भी पॉइंट है वो क्वेश्चन पुट करता है, और वही क्वेश्चन है जो कि अपन दो स्टेंजा में पढ़ चुके हैं। वो था कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइन। अब यहाँ पे इस स्टेंजा के अंदर जो फीलिंग्स आती है वो इंडिविजुअलिटी वाली आती है, यानी पोइट अपने व्यक्तित्व के बारे में सोचता है, खुद के बारे में, खुद के माइंड के बारे में जब उसने सोचना शुरू कर देता है तो वो वाली फीलिंग्स है पोइट के अंदर आती है। तो वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन। पोइट पूछता है कि मेरा बचपन कब चला गया, कि जब मैंने यह पाया कि मेरा दिमाग, मेरा जो माइंड है वॉज रियली माइंड, वो वास्तव में मेरा ही था। मेरा ही था का मतलब माइंड खुद का होने का मतलब है कि जैसे पहले स्टेंजा में अपन ने पढ़ा था कि पोइट का जो चाइल्डहुड एज को जिसको मिस करता है, तो चाइल्डहुड एज में जो माइंड होता है वो अपन माइंड में जो बातें डाली जाती है वो हमारे एडल्ट्स के द्वारा डाली जाती हैं, और उन बातों को हम एज इट वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन जब पोइट को ये फील होने लगा कि मेरे माइंड में दूसरों की बातें नहीं आकर के मेरा माइंड है वो खुद का माइंड है, उसके अंदर खुद के विचार आ सकते हैं, खुद की बातें आ सकती हैं, खुद की फीलिंग्स आ सकती हैं, तो जब पोइट को लगा कि मेरा जो दिमाग था वो मेरा खुद का ही था, टू यूज विच एवर वे आई चूज, विच एवर का मतलब जैसे चाहूं, जैसे चाहे वैसे, चूज का मतलब चाहना या पसंद करना, ये वैसे तो चूज का मतलब चुनने के लिए होता है, लेकिन यहां पे हो गया जो चीज़ मैं पसंद करता हूँ, जो चीज़ें मैं लाइक करता हूँ, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं उसके लिए आया है चूज। तो टू यूज विच एवर वे आई चूज। अब इसमें पोइट कहता है कि जो पोइट कहता है कि मेरा, जब मुझे ये पता चल गया कि मेरा माइंड खुद का माइंड है, यानी मेरे माइंड में खुद की बातें आ सकती है, मैं अपने माइंड से खुद सोच सकता हूँ, और इस माइंड में जैसे चाहूँ, जो चीज़ें मैं चाहूँ, जो बातें मुझे पसंद होती हैं, उन बातों को मैं मेरे माइंड में ला सकता हूँ, तो इस माइंड में दूसरों की बातों को एक्सेप्ट नहीं करके मैं अपनी बातों को स्वीकार कर सकता हूँ, अपनी फीलिंग्स को ला सकता हूँ, अपने जो थॉट्स हैं वो इसके अंदर ला सकता हूँ। Producing thoughts that were not those of other people. अब पोइट कहता है producing का मतलब वैसे तो उत्पादन करना, लेकिन यहाँ पे आने के लिए है विचार, आने के लिए यहाँ पर लिया गया है। तो पोइट कहता है कि मेरा माइंड जो है खुद का माइंड है, इसके अंदर जो भी थॉट्स आएंगे ना वो मेरे द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाएंगे, वो मेरे द्वारा ही जो है वो उनका निर्माण किया जाएगा, मेरे द्वारा ही वो जो थॉट्स हैं मेरे ही थॉट्स मेरे दिमाग में आएंगे, एंड नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, तो उस माइंड में मेरे दूसरे लोगों के विचार नहीं आएंगे। यानी जब मुझे ये एहसास होने लग गया कि मेरा माइंड मेरा खुद का माइंड है, उसके अंदर मेरे विचार ही आ सकते हैं, मेरे थॉट्स ही आ सकते हैं, और थॉट्स भी वही आएंगे जो
मैं चाहता हूँ, जो बातें मुझे पसंद आती हैं, केवल वही विचार आ सकते हैं। और दूसरों के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए, दूसरों के द्वारा बताई गई बातें, दूसरों के द्वारा बताए गए विचार मेरे दिमाग में नहीं आएंगे, बट माई ओन एंड माई अलोन। बल्कि मेरा दिमाग है वो मेरा खुद का ही रहेगा और मेरे अकेले के लिए रहेगा। यानी जो थॉट्स मेरे माइंड में आएंगे वो थॉट्स मेरे लिए रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने थॉट्स किसी और पे थोपूंगा, दूसरे को फोर्स करूंगा उन थॉट्स को मानने के लिए, और ना ही मेरा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा कि मेरा माइंड में दूसरों के विचार आएँ या फिर मैं किसी दूसरों के विचारों को एक्सेप्ट करूँ। तो इसमें बता दें कि मेरा माइंड जो है वो मेरा खुद का ही है, उसमें खुद के ही थॉट्स आएंगे। और जब इस चीज़ का मुझे एहसास होने लग गया, ये चीज़ मेरे दिमाग में आ गई, और जब मुझे इस बात का पता चल गया कि मेरे खुद के भी विचार हो सकते हैं, दूसरों की बातों को एज इट स्वीकार नहीं करके मैं अपने थॉट्स भी ला सकता हूँ और अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग भी चल सकता हूँ, जब मुझे ये पता चल गया, तो वॉज दैट द डे। तो क्या वो दिन था जब मेरा बचपन मेरे पास से चला गया? तो यहाँ इंडिविजुअलिटी वाली जो फीलिंग्स पोइट के अंदर आती है, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। और इंडिविजुअलिटी की फीलिंग आते ही पोइट कहता है कि मेरा बचपन मेरे पास से चला गया। तो ये था अपना थर्ड स्टेंजा। तो अपन ने जो तीन स्टेंजा पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों में पोइट ने सेम क्वेश्चन पुट किया है, और क्वेश्चन था कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। अब इसके बाद में अपन जो फोर्थ स्टेंजा पढ़ते हैं, तो फोर्थ स्टेंजा में पोइट क्वेश्चन तो पुट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन कौन सा हो गया? वेहर। अब पोइट जो कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, यानी पोइट ने जो जिस पॉसिबिलिटी को इमेजिन किया था पहले कि मेरा जो मेरा चाइल्डहुड है वो कब चला गया, तो उसका जवाब हालांकि उसको मिल गया, या हो सकता है कि वो चीज़ों को सोचने लग गया कि जिस एज में मैंने एंटर किया, कि जो मेरी चाइल्डहुड एज थी उसके बाद में मैं जैसे एडोलेसेंस एज में आया था, उसके बाद में जैसे मैं एडल्ट एज में आया था, तो इस एज में एंटर करने के बाद में मुझे ये तो पता चल गया कि मेरी जो इमेजिनरी, जो मैंने पॉसिबिलिटी को इमेजिन किया था, जिसको चीज़ों को मैंने सोचा था, उसके अकॉर्डिंग मुझे जो था वो बिलीव हो गया है कि मेरा बचपन तब चला गया। लेकिन अब फोर्थ स्टेंजा में पोइट कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, यानी जिस बचपन को, जिस चाइल्डहुड को पोएट मिस कर रहे हैं, जिस चाइल्डहुड के जाने के बाद जो पोएट है वो पजल्ड है, थोड़ा कंफ्यूज है, तो उस चाइल्डहुड के लिए पोएट पूछते हैं कि मेरा बचपन अब कहाँ चला गया। तो इसके लिए आगे वो जिस चीज़ को सोचते हैं कि मेरा बचपन कहाँ जाना चाहिए, वो कहाँ भेजना चाहते हैं, वो कहाँ चाहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ जा सकता है, तो जिसको इमेजिन किया वो बात पोएट ने यहाँ पर बताई है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। फॉरगॉटन का मतलब किसी अजनबी या भूली बिसरी जगह। फॉरगॉटन प्लेस का मतलब होते हैं अजनबी या भूली बिसरी जगह। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट्स। न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट हो गया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अपनी जो स्टेजेज होती हैं अपने जीवन की, तो सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आती है, उसके बाद में अपनी चाइल्डहुड स्टेज आती है, फिर एडोलेसेंस और फिर अडल्ट, ये चार स्टेज आती है। तो सबसे स्टार्टिंग वाली जो इन्फेंसी एज होती है, जिसके अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी रहता है, तो उसमें बताया है, तो पोइट ने इमेजिन किया, ये पोइट ने सोचा है कि मेरा बचपन कहाँ जाना चाहिए, जो एक न्यू बॉर्न बेबी है, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके चेहरे में जा कर के छिप गया। यानी पोइट चाहता है कि मेरा बचपन वहीं पर जाए, और पोइट ये सोचता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, एक न्यू बॉर्न बेबी के चेहरे में जा कर के छुप गया। यानी सबसे पहले तो वो कहता है कि मेरा बचपन किसी अजनबी जगह पर या भूली बिसरी जगह पर चला गया, फिर नीचे वाला लाइन में पोइट कहता है कि वो अजनबी जगह, वो भूली बिसरी जगह कौन सी है, एक न्यू बॉर्न बेबी का चेहरा, वही एक भूली बिसरी जगह है या अजनबी जगह है जहाँ पर मेरा बचपन जाकर छिप गया। That's all I know. मैं केवल इतना ही जानता हूँ, क्योंकि पोइट चाहता है कि मेरा बचपन कहाँ रहे, एक इन्फेंसी के, एक न्यू बॉर्न बेबी के चेहरे के अंदर। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक न्यू बॉर्न बेबी और चाइल्डहुड एज में जो अपन रहते हैं, तो उसमें एक जो इनोसेंस होती है, वो इनोसेंस ना तो एडोलेसेंस एज में आती है, ना हमारी अडल्ट एज के अंदर रहती है। उसके अंदर हम जितना केयर फ्री रहते हैं, जितना हम दूसरों की बातों को स्वीकार कर लेते हैं, जितना हम दूसरों पर बिलीव करते हैं, वो शायद दूसरी एज में नहीं होता है। इसलिए पोइट चाहता है कि मेरी जो चाइल्डहुड एज है, यानी मेरी चाइल्डहुड एज मेरे पास से चली तो गई, लेकिन मैं चाहता हूं या मैं सोच रहा हूं कि मेरी जो चाइल्डहुड एज है वो एक न्यू बॉर्न बेबी के चेहरे में जाकर छिप जाए, क्योंकि वही एक हेवनली इनोसेंस वाली एज होती है। तो अब ये थे अपने चार स्टेंजा इस पोइम के। तो दो स्टेंजा अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके थे और दो अपन ने आज की वीडियो में पढ़े हैं। अब इस जो पोइम, चाइल्डहुड पोइम के जो
अपने क्वेश्चन जो मेन बनते हैं वो तो हो गया कि जो फर्स्ट क्वेश्चन अपन देख के चलें, यानी जो अंदर से जो एडिशनल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन मानते हैं, तो एक तो हो गया कि जो पोएट ने इस पोएम के अंदर कौन कौन सी एज, जो अपनी स्टेजेस बताई हैं लाइफ की, वो कौन कौन सी बताई है, दो मेनली एज बताई है, तो उसका अपन को पता है कि एक तो चाइल्डहुड एज बताई है और एक अडल्ट एज बताई है, क्योंकि चाइल्डहुड एज को तो पोएट है वो मिस कर रहे हैं, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और अडल्ट एज के अंदर ऐसा बताया है कि अडल्ट एज में पोएट ने अडल्ट की जो हिपोक्रेसी थी वो उनके सामने आती है, तो एक दो एज के बारे में पोएट ने बताया इसमें। फिर इसमें दूसरा क्वेश्चन अपना होता है कि पोएट ने इसमें जो चाइल्डहुड एज है, जो चाइल्डहुड एज है उसके बारे में क्या बताया है, तो ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि चाइल्डहुड एज पोएट के अकॉर्डिंग या अपन भी मान सकते हैं कि चाइल्डहुड एज जो होती है वो हेवनली इनोसेंस की एज होती है, उसमें ना तो कोई हिपोक्रेसी होती है, ना कोई ईगो होता है, ना कोई वायलेंस होता है, तो इस प्रकार चाइल्डहुड एज के बारे में पोएट ने बताया था। तीसरा होता है कि एक क्वेश्चन है कि पोएट ने जो एडल्ट एज है उसको क्रिटिसाइज क्यों किया है, यानी उसको जो उसकी आलोचना क्यों की है, और उसकी आलोचना ये इसलिए की है क्योंकि जिस प्रकार एडल्ट हमें बताते हैं जो बिहेव, जो मैनर्स हमें करने के लिए कहते हैं, जो बातें हमें जीवन में अपनाने के लिए कहते हैं, वास्तव में वही प्रेम, वही जो दया की भावना है, या जो वही इनोसेंस वाली भावना, या जो बातें हमें बताई जाती हैं, जो मैनर्स हमें बताए जाते हैं, वो बातें एडल्ट लोगों में नहीं होते हैं, तो इसलिए जो बातें हमें कही जाती है, जो दिखावा हमारे सामने किया जाता है, जो शो ऑफ हमारे सामने किया जाता है, वास्तव में रियल में उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एडल्ट्स में वो बातें हमें देखने को नहीं मिलती है, तो इसलिए उन्होंने एडल्ट एज को क्रिटिसाइज किया गया है, एडल्ट्स को क्रिटिसाइज किया है। एक हो गया कि पोएट ने जो इन्फेंसी एज इसमें बताई है, जैसे लास्ट स्टेंजा में अपन ने पढ़ी थी कि इन्फेंसी स्टेज के बारे में, जो पोएट है अपने बचपन को इन्फेंसी स्टेज में क्यों लेकर जाना चाहता है, तो इसका भी मैंने बता दिया था क्योंकि वही एक मासूमियत वाली एज होती है जिसमें अपन केयर फ्री रहते हैं। तो अपने ये जो तीन चार क्वेश्चन है इसमें जो अपन को पुट आउट, जो फाइंड आउट करने होते हैं, तो ये तो जो तीन चार क्वेश्चन अपने होते हैं उसमें पूरी पोएम का जो समरी है वो अपनी इस तीन चार क्वेश्चन में आ जाती है। तो अपनी ये जो चाइल्डहुड एज वाली अपनी पोएम थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब अपनी इस हॉर्नबुल बुक में जो चार पोएम वो कंप्लीट हो चुकी है और अपनी एक पोएम बची है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। थैंक यू।